हेलो स्टूडेंट्स हेयर वी आर विध अवर चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग फ्रॉम क्लास सेवन एंड अवर बुक नेम इज़ हनी कॉम दिस इज़ अवर यूनिट सेवन एंड वी आर रीडिंग अवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस यूनिट तो टेक आउट योर बुक हनी कॉम एंड ओपन पेज नंबर नाइंटी नाइन इन योर बुक ना इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हीर तो यहाँ तक का जो बच्चों हैं हमारा सेवन यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग तो इसमें जो मिस्टर विली वोंका हैं उन्होंने एक वोंका वाइट जो दवाई थी उसका इन उसको बनाया उन्होंने और जो लोगों को क्या करती थी उम्र में छोटा बना देती थी लेकिन वो जो वोटा वोंका वाइट थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि तो कुछ लोग उससे क्या होगा गया डिसअपेयर हो गए, गए क्योंकि उनकी एज क्या हो गई माइनस हो गई जैसे एक आदमी की उम्र एट्टी सेवन है तो उसकी माइनस एट्टी सेवन हो गई उम्र और उसको फिर एट्टी सेवन तक पहुँचने के लिए एट्टी सेवन ईयर का वेट करना पड़ेगा तो फिर वौंक, विली वॉन्का को लगा कि अब उन्हें एक नई चीज़ को इन्वेंट करना चाहिए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब मैं लोगों को लोगों की उम्र को बढ़ाऊँगा ठीक है और लोगों को बूढ़ा और बूढ़ा बनाऊँगा तो वो कहता है कि अब मुझे ये देखना है कि कौन सी चीज़ तो वो कहते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो सबसे पुरानी कौन सी सबसे पुरानी चीज़ दुनिया में अभी जीवित है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सबसे किसी भी चीज़ से सबसे अधिक समय तक जीवित रहती है सो वी है नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज नाउ टुडे वी विल रीड फ्रॉम देयर अ ट्री चार्ली सेड, एक पेड़ चार्ली ने कहा राइट यू आर चार्ली तुम सही हो चार्ली तो देखो अब उन्होंने कहा कि कौन सी चीज़ है जो सबसे अधिक जीवित रहती है तो चार्ली ने कहा एक पेड़ तो वो कहते हैं यू आर राइट चार्ली तुम ठीक हो तुम सही हो बट वट काइंड ऑफ अ ट्री लेकिन किस प्रकार का पेड़ नॉट द डगलसर ना ही डगलस देव डगलस देवदार नहीं नॉट द ओक ना ही शाह नॉट द सीडर और ना ही देवदार नो नो माय बॉय नहीं नहीं मेरे लड़के इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द द्रिस्लकोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नवादा इन निवेदा यूएस ए स्लोप्स मिस्टर ढलान यह एक पेड़ है जिसे ब्रिसल ब्रिसलकोन चीड़ कहा जाता है जो नेवादा अमेरिका में व्हीलर चोटे की ढलान पर उगता है तो देखो अब वो बता रहा है उनको कि जब वो कहता है कि तुम सही हो लेकिन यह लेकिन कैसा पेड़ कौन सा पेड़ है जो सबसे अधिक समय तक जीवित रहेगा तो कहते हैं डगलस फर तो नहीं है डगलस देवदार नहीं है ना ही ओक है यानी साहब और ना ही देवदार का पेड़ तो कहते हैं नहीं नहीं मेरे बॉय यह एक ब्रिस्कोन ब्रिस्क ब्रिस्लकोन चीड़ है जो वो जो पेड़ है वो सबसे पुराना है जो अमेर जो नवदा अमेरिका में व्हीलर चोटी की ढलान पर उगता है यू कैन फाइंड ब्रिसलकोन पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर फोर थाउजेंड ई ईयर्स ओल्ड तुम व्हीलर की चोटी पर आज भी ब्रिसलकोन की चीड़ ढूंढ सकते हो जो चार हजार साल से अधिक पुराने हैं तो कह रहे हैं कि तुम्हें आज भी यू कैन फाइंड ब्रिसलकोन पाइंस ऑन द व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर फोर थाउजेंड ईयर्स ओल्ड तुम आज भी तुम आज भी व्हीलर की चोटी पर ब्रिसलकोन चीड़ ढूंढ सकते हो जो चार चार हजार सा, चार साल से अधिक पुराने हैं दिस इज अ फैक्ट चार्ली यह एक तथ्य है चार्ली आस्क एनी डेंड्रोक्लोरोनोलिस्ट तो डेंड्रोक्लोरोनोलॉजिस्ट जो होता है वो वह जो वृक्ष वृक्ष कालानुक्रमी होता है ठीक है यानी जो पुरानी चीज़ों के बारे में वृक्ष की तने वने इन सब चीज़ों के बारे में जिसको वो सब पता होता है उसको बोलते हैं ठीक है डेंड्रोक्लोलोनोलॉजिस्ट यू लाइक दिस इज द फैक्ट यह एक तथ्य है चार्ली चार्ली यह एक तथ्य है आस्क एनी डेंड्रो डेंड्रोक्लोरोनोलॉजिस्ट यू लाइक like. तुम किसी भी वृक्ष वृक्ष अनुक्रमी से पूछ सकते हो यदि तुम चाहो एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्सनरी यू गेट होम विल यू प्लीज और इस इस शब्द को जब तुम घर जाओ तो शब्द को उसमें देखना विल यू प्लीज़ क्या तुम करोगे तो कहते हैं कि डेंड्रोक्लोरोनोलॉजिस्ट जो शब्द है इसको तुम जाके अपनी डिक्शनरी में देखना क्या तुम ऐसा करोगे तो डेंड्रोक्लोनोलॉजिस्ट क्या होता है एक वृक्ष कालानुक्रमिक होते हैं जो देखते हैं कि पेड़ कब तक जीवित है उसके तने वने इस सब को देखते हैं ठीक है सो देट स्टार्टेड मी ऑफ इस तरह से मैंने और काम और इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया तो देखो आप उसको पता चल गया कि कौन तो उसने फिर काम करना शुरू कर दिया वो कह रहे हैं कि सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ़ और मैंने काम इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया ठीक है तो सबसे पुरानी जो चीज़ें हैं मतलब उनको इकट्ठा करने का मैंने काम शुरू कर दिया आई जम्प्ड इन टू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स और इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया और पूरी दुनिया से सबसे पुरानी जीवित चीज़ों से विशेष वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए मैं दौड़ा तो सो सो स्टार्टेड मी ऑफ़ इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया आई जम्प इन टू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर में ग्रेट ग्लास एलिवेटर में कूदा और पूरी दुनिया से इस सबसे पुरानी जीवित चीज़ों से विशेष वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए दौड़ा तो देखो ग्रेट ग्ला ग्लास एलिवेटर मीन्स होता है बड़ी कांच का लिफ्ट जो होती है ठीक है तो ग्रेट ग्लास एलिवेटर बड़ी ग्लास की लिफ्ट ठीक है तो मैं बड़ी कांच की लिफ्ट में कूद गया और रज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स और पुरानी दुनिया से सबसे पुरानी जीवित चीज़ों से विशेष वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए दौड़ा तो देखो जो बिली वोंग जो हैं मिस्टर वोंग का तो वो कह रहे हैं कि कि जो सबसे पुराना पेड़ है वो डिस्टिलकोन पाइन है जो विलर पीक नवादा की जो व्हीलर पीक है उनके जो अमेरिका में है उसकी व्हीलर पीक की व्हीलर चोट व्हीलर की चोटी की ढलान पर उगता है और जो चार साल चार हजार साल पुराना है तो वो कहते हैं कि यह एक फैक्ट है और तुम किसी वृक्ष कालानुक्रमी से यह पूछ सकते हो ठीक है और फिर वो कहते हैं कि सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ़ इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया आई जम्प इन टू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स मैं ग्रेट मैं बड़ी कांच की एलिवेटर में कूदा और पूरी दुनिया से सबसे पुरानी जीवित चीज़ों को चीज़ों से विशेष वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए दौड़ा ठीक है तो अ पिंट ऑफ सेप फ्रॉम अ फोर थाउजेंड ईर ओल्ड ब्रिस्टिलको पाइन अट से चार हजार साल पुराने ब्रिस्ल कोन चीड़ के पौधे से थोड़ा सा तलर, तरल पदार्थ तो कह रहे हैं कियर ओल्डिल कोन पाइन तो एक चार, सा, चार हजार साल पुराने कोन चीड़ से थोड़ा सा तरल पदार्थ तो उसने चार साल पुराना जो कोन के चीड़ का पेड़ था उससे थोड़ा सा तरल पदार्थ लिया द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम वन हंड्रेड सिक्सटी एट ईयर ओल्ड रसियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविन गैग्रो गैग्रोविच तो देखो द टो नील क्लिपिंग फ्रॉम अ वन हंड्रेड सिक्सटी ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच गैग्रोविच एक सौ अड़सठ साल पुराने रूसी किसान के पैर के अंगूठे के नाखून की करतन कतरन ली जिसका नाम पेट्रिक गैग्रोविच था तो वो कह रहा है कि थोड़ी सी क्लिपिंग मीन्स होता है थोड़ा सा छाल या कतरन तो वो कह रहा है कि मैंने एक रूसी जो फार्मर था रसियन जो फार्मर था रूसी किसान उसके पैर के अंगूठे के नाखून की थोड़ी सी कतरन ली जो एक सौ अड़सठ साल पुराना था ठीक है एक सौ अड़सठ साल एक सौ अड़सठ साल के पुराने या एक सौ अड़सठ साल के वृद्ध वृद्ध रूसी किसान के पैर के अंगूठे के नाखून की कतरन ली जिसका नाम पैट्रिक, पैट्रिक पेट्रोविच गैग्रोविच था एन एग लेड बाय टू हंड्रेड ओल्ड टॉटॉयज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा दो सौ साल पुराने कछुए के द्वारा दिए गए अंडे लिए जो राजा टोंगा से संबंधित थे देखो द एग लेड बाई टू थाउ टू हंड्रेड ईयर ओल्ड टॉटॉयज़ बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा टोंग दो सौ साल पुराने कछुए द्वारा दिया गया एक अंडा लिया जो राजा टोंग से संबंधित था द टेल ऑफ अ फिफ्टी वन ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया अरेबिया में अरेबिया से इक्यावन साल पुराने एक घोड़े की पूँछ ली दिस्कर ऑफर्टी सिक्स ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रमपेट्स एक छत्तीस साल पुरानी बिल्ली की जो क्र, ली, जो क्रम्पिट्स कहलाती थी एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पट्स फॉर थर्टी सिक्स ईयर एक बूढ़ा पिस्सू जो छत्तीस साल से क्रम्पट्स में रहता है फ्ली मीन्स होता है पिसू द टेल ऑफ अ टू टू हंड्रेड सेवन ईयर्स ओल्ड जाइंट रेट फ्रॉम टिपत, तिब्बत से दो हजार सात वर्ष के बड़े चूहे की पूछ ली द ब्लैक टीथ ऑफ अ नाइंटी सेवन ईयर ओल्ड ग्रेमलेक्कन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपो कैटेपिटल तो पोपो कैटिपिटल हो एक काले दांतों वाली सतान सतानबे वर्ष की डायन जो माउंट पोपो कैटिपिटल पर एक गुफा में रहती थी द कनल बोन्स ऑफ अ सेवन हंड्रेड ईयर ओल्ड कैटलो फ्रॉम पेरू नेकल बोन्स होता है जोड़ या पोर ठीक है तो नेकल बोन्स पेरू से सौ साल पुराने कटालू के जोड़ ठीक है तक निकल बोन निकल बोन्स ऑफ अ सेवन हंड्रेड ईयरस ओल्ड कट्टालू फ्रॉम पेरू पेरू से सौ वर्ष पुराने कट्टालू के जोड़ एकत्रित किए तो देखो आप वो कह रहा है कि मैं पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ गया तो उन्होंने क्या किया पिंट ऑफ अ सी सेप फ्रॉम अ फोर थाउजेंड ईयर ओल्ड ब्रिसल ब्रिसिलको पाएँ तो उन्होंने चार हजार साल पुराने ब्रिसल कोन चीड़ से थोड़ा सा तरल पदार्थ लिया तो उन्होंने जो क्रिसलकोन चीड़ था जो चार साल आता उससे थोड़ा सा तरल पदार्थ लिया द टू नेल क्लिपिंग फ्रॉम द वन हंड्रेड सिक्सटी एट ईयर ओल्ड रसियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच कैगरोच एक सौ अड़सठ साल पुराने रूसी किसान के पैर के अंगूठे के नाखून की कतरन ली जिसका नाम पेट्रोविच कैगरोच था तो एक किसान था पूरा एक सौ अड़सठ साल का उसके पैरों का उसने कह लिया उसके जो अंगूठा था उसके नाखूनों की कतरंली एन एग लेट बाई आर टू टू हंड्रेड ईयर्स ओल्ड टोटा बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंग दो सौ साल पुराने कछुए के द्वारा दिए गए द्वारा दिया गया अंडा लिया जो राजा टोंग से संबंधित था तो राजा टोंग के सर से संबंधित जो दो सौ uh, साल पुराना कछुआ था उसका एक अंडा लिया द टेल ऑफ अ फिफ्टी वन ईयर ओल्ड हॉर्स इन इन अरेबिया और अरब अरेबिया से इक्यावन साल पुराने एक घोड़े की पूंछ ली एन ओल्ड एन विस्कर्स ऑफ थर्टी सिक्स ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पट्स और छत्तीस साल पुरानी बिल्ली की पूछे ली जिस जो क्रम्पेट्स कहलाती थी ठीक है तो और एन ओल्ड फ्लब विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर थर्टी सिक्स ईयर और एक बूढ़ा पिस्सू फ्री मींस होता पिसू जो जो छत्तीस साल से क्रम्पेस्ट में रहता था और द टेल ऑफ अ टू हंड्रेड सेवन ईयर्स ओल्ड चाइंड रेड फ्रॉम द तिब्बत और तिब्बत से दो हज़ार साल वर्ष के दो दो हज़ार सा दो सौ सात वर्ष के बड़े विशाल चूहे की एक ली एंड द ब्लैक टीथ ऑफ अ नाइनटी सेवन ईयर ओल्ड ग्रीमेकलिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पेपो कैटेपिल पेपो की कैटेपिटल तो कैटेपिटल जो डायन और एक काले दांतों वाली सतनाबे वर्ष की डायन जो माउंट पेपो कैटेपिटल में एक गुफा के पास रहती थी ठीक है तो उसके जो काले दांत था वो एक दांत लिया उन्होंने और द नकल बोन्स ऑफ सेवन uh, हंड्रेड ईयर्स ओल्ड कैटेलू फ्रॉम पेरू और पेरू से सात सौ uh, वर्ष के पुराने कटालू के जोड़ तो देखो ये ये चीज़ें उन्होंने इकट्ठी करी जब ब्रिसलकोन पानी था उससे उन्होंने थोड़ा सा तरल पदार्थ लिया और एक जो बूढ़ा किसान था उसके पैरों की नाखों की करतन करतन ली कतरन ली थोड़ी सी और एक दो सौ वर्ष का जो टॉटॉयज था उसका एक अंडा लिया और इक्यावन साल के जो हॉर्स था उसकी टे, टेल ली और छत्तीस साल की जो कैट थी पुरानी उसकी मुछे ली और जो पुराना पिस्सू था छत्तीस साल का वो लिया और जो एक बड़ा सा रेड था दो सौ साल ईयर का उसकी टेल ली और एक डायन जो माउंट पेपोल के माउंट पेपो पेपो कैटेपिलर के, के, के की गुफा में रहती थी उसका एक दांत लिया और कटालू के जोड़ लिए ठीक है तो ये, ये चीज़ें उन्होंने इकट्ठित एक एकत्रित की ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एनसिएंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्राम ईच वन ऑफ दैम आई हेयर ऑन आई और एन आईब्रो और समटाइम्स इट वॉज़ नो मोर दैन एन आउंस और टू ऑफ द चैम स्क्रैप्ड फ्राम द बिटवीन इट्स टोज वाइल ही इट वॉज़ स्लीपिंग तो कह रहे हैं कि पूरे संसार से चाली पूरे संसार से मैंने बहुत पुराने और प्राचीन बहुत बूढ़े और प्राचीन जानवरों को ढूंढ निकाला और उनमें से प्रत्येक से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ले ली जैसे एक बाल और भोएँ और कभी कभी यह एक ओस से या दो ओस से अधिक नहीं था जो तो कह रहे हैं कि आई हेयर और एन आई प्रो और समटाइम्स इट वॉज़ नो मोर देन आउंस और टू एन आउंस और टू ऑफ द चेम और कभी कभी वह निकाली गई खाल का एक या निकाली गई खाल का एक ओंस या दो ओंस से अधिक नहीं था जो मैंने उसकी उंगलियों के बीच से निकाला जब वह सो रहा था तो देखो वो कह रहे हैं कि जो एनिमल्स थे जब वो सो रहे थे तो मैंने उनकी पैरों से जब वो तो उनके क्या लिए थोड़ी सी स्किन यानी उनकी थोड़ी सी त्वचा जो है वो मैंने ले ली जो उस समय निकाली मैंने वो त्वचा कह रहे हैं कि जब वह सो रहे थे तो देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वॉन्ग का वेंट ऑन पूरे संसार से चार्ली मिस्टर श्रीमान वोंका ने कहना जारी रखा आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एंसियंट एनिमल्स मैंने बहुत पुराने और प्राचीन जन जानवरों को ढूँढ निकाला एंड टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बेड ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। और उनमें से प्रत्येक से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ले ली। And a uh, here on an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. Or kabi kabi nikali gayi khalis. का एक ओंस या दो ओंस से अधिक नहीं था जो मैंने उसकी उंगलियों के बीच से निकाला जब वह सो रहा था तो कह रहे हैं कि जब मैं खाल निकालता कभी वो उसका एक या दो ओंस से अधिक नहीं होता था उस खाल का जो मैं उस जानवरों के जब निकालता था जब वह सोते थे ठीक है आई ट्रैक्ड डाउन द विस्िंग पीग पेग द लिंक द द पॉलीफ्रॉग द चाइंट Q, the sting, stinging slug, and the venomous squirrel who can spit poison right into eye, your eye from 50 yards away. Okay, so, I tracked down the whistling pig. Pig, many whistling pig, many whistling pig. The paw, the. बोबोलिंक बोबोलिंग एक चिड़िया होती है रेंगने वाली चिड़िया द स्कॉर्क मैढ़ का बच्चा दिसल द पॉली नहीं पॉली फ्रॉक मैढ़ का बच्चा था बच्चा ठीक है तो स्कॉर्क पॉली यानी मैढ़ का बच्चा द चाइंट कैरिकू कैरिकूरिकल तो देखो वो कह रहे हैं कि मैंने एक आई ट्रैक्ट डाउन द पिक मैंने पिक का पीछा किया द बोबो लिंक एक रेंगने वाली चिड़िया द स्कॉर्क स्कॉर्क को का पीछा किया और पॉली फ्रॉग यानी मेडक के बच्चे का पीछा किया द जाइंट करली क्यू विशाल घुंगर द स्टनिंग स्लग और एक डसने वाला घोंगा एंड द वेनमस स्क्रिकल और एक वि गरी हु कैन स्प्लिट पॉइजन इन टू यूर आई फ्रॉम फिफ्टी ईयर्स यार्ड्स अवे जो पचास गज से दूर तुम्हारी आँखों में सीधा जहर फेंक सकती थी तो देखो आई ट्रैक्ट डाउन द विसलिंग पिक द बोबोलिंक द स्कॉर्क द पॉलीफ्रॉग द जॉइंट करली क्यू द स्टिनिंग स्लग एंड द फनोमस स्क्वेरिकल हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इन टू योर आई फ्रॉम फिफ्टी यार्ड्स अवे मैंने विसिल पिग बोबोलिंक यानी रेगने वाली चिड़िया स्कॉर्क पॉलीफ्रॉक मेडक के बच्चे का विशाल घूंगर डसने वाला घोंगा और विशैली स्क्वेरिकल का पीछा किया जो यार ढूंढ निकाला ठीक है को ढूंढ निकाला जो हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इन टू योर आई फ्रॉम फिफ्टी यार्स अवे जो पचास गज की दूर से तुम्हारी की दूरी से तुम्हारी आँखों में सीधा जहर फेंक सकते थे तो कह रहे वो कह रहे हैं कि देखो मैंने पूरी दुनिया में पूरी दुनिया से प्राचीन जानवरों और प्राचीन बहुत बुढ़े और प्राचीन जानवरों को ढूंढ निकाला और उनमें से प्रत्येक से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ले ली जैसे बाल और भ और कभी कभी यह एक जो खाल में निकालता था उसका एक या दो ओर से अधिक नहीं था जो खाल में उनकी उंगलियों के बीच से नि निकालता था जब वह सो रहे होते हैं तो कहते हैं कि आई ड्रैक्ट डाउन और मैंने किन को खोज निकाला किन को ढूंढ निकाला विस्लिंग पिक को पिक को बोबोलिंग को दस्कॉर्क को मैढ़ के बच्चे को और विशाल घूंगर को और डसने वाले घोंगे को और विशेले स्क्वेरिकल को और जो पचास गज से दूर तुम्हारी आंखों में जहर फेंक सकते थे बट देयर नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ चार्ली लेकिन अभी तुम्हें इन सब के बारे में बताने का समय नहीं है चार्ली let me just say quickly that in the end after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my invention room i produced one tiny cup full of oily black liquid and gave four drops of it to a brave 20 year old umpa lumpa volunteer to see what happened so कि जब वो बताते हैं कि मैंने इतनी चीज़ें ढूंढी फिर वो कहते हैं चार्ली लेट मी जस्ट बट देयर नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ लेकिन अभी तुम्हें इन सब के बारे में बताने का समय नहीं है लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड और मुझे जल्दी से यह बताने दो और अंत में मुझे जल्दी से यह बताने दो आफ्टर ऑल आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग बहुत अधिक बहुत अधिक बहुत सारा उबलने और बुदबुदाहट के बाद एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग और मिश्रण और परीक्षण के बाद इन माय इन्वेंटिंग रूम मेरे परीक्षण के कमरे में तो कह रहा है कि इन माय इन्वेंटिंग मेरे परीक्षण कमरे में बहुत अधिक उबालने और बुदबुदाने के बाद और मिश्रण और परीक्षण के बाद मैंने आई प्रोड्यूस्ड वन tiny कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड मैंने एक छोटा कप भर के एक काला तेली द्रव्य बनाया एंड four फोर ड्रॉप्स ऑफ इट टू brave ट्वेंटी ईयर ओल्ड ओम्पा लुम्पा वॉल्टर टू सी वट है हैपन। और इसकी चार बूंदें बहादुर बीस वर्षीय उम्पा लुम्पा स्वयं सेवक को दिया यह देखने के लिए कि क्या होता है तो देखो अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने इन सबको ढूंढा तो कह रहे हैं कि अभी मुझे इनके बारे में तुम्हें बताने का समय नहीं है तो वो कहते हैं लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एड और मुझे जल्दी और अंत में मुझे जल्दी से और मुझे जल्दी से बताने दो कि अंत में बहुत अधिक मेरे परीक्षण रूम में बहुत मेरे परीक्षण कक्ष में बहुत अधिक उबालने बुदबुदाने और मिश्रण करने और परीक्षण करने के बाद मैंने एक मैंने एक छोटा कप भर के एक काला तेलीय द्रव्य बनाया और उसे और इसकी चार बूंदें बहादुर बीस वर्षीय उम्पा लुम्पा स्वयं सेविका को दिया यह देखने के लिए कि यह के लिए कि क्या होता है तो देखो वो कह रहा है कि कि जब मैंने अपनी अपने को कह रहा है कि बहुत अधिक बहुत अधिक उबालने के बाद चीज़ों को बहुत अधिक उबालने के बाद बुदबुदाने के बाद और परीक्षण करने के बाद और मिश्रण करने के बाद अपने परीक्षण कमरे में मतलब अपने परीक्षण कमरे में बहुत सारा उबालने बुदबुदाने के बाद और मिश्रण और परीक्षण के बाद मैंने एक छोटा कप भर के काला तेली द्रव्य बनाया और इसकी चार बूदें बीस वर्षीय उम्पा लुम्पा को दी यह देखने के लिए कि क्या होता है वट डिड है चार्ली आस्ट क्या हुआ चार्ली ने पूछा इट वॉज फैंटास्टिक फैंटासिक मीन बहुत बढ़िया या बहुत खूब या बहुत खूब था क्राइड मिस्टर वोंका मिस्टर वोंका चिल्लाए द मूमेंट ही सॉलोड इट ही बिगेन रिंकलिंग एंड शि शिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ सेवेंटी फाइव इट वॉज फैंटास्टिक यह बहुत बढ़िया था श्रीमान वोंगा चिल्लाए द मोवमेंट ही सोलोर इट जिस क्षण उसने इसे निकला ही बिगेन व्रिंकलिंग एंड सिवरिंग अप ऑल ओवर वह पूरी तरह से झुर्रेदार और सिकुड़ने लगा एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपलिंग ऑफ और उसके बाल गिरने लगे एंड हिस्टी स्टार्टेड फॉलिंग आउट और उसके दाँत बाहर गिरने लगे एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ सेवेंटी फाइव और इससे पहले मैं जान पाता वह अचानक से पचहत्तर साल का एक बुरा व्यक्ति बन गया एंड दस माइटियर चार्ली वॉज वीटा वीटावोंक इन्वेंटेड और इस तरह से मेरे प्रिय चाली वीटावोंक का आविष्कार हुआ तो देखो वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये सब एनिमल्स का पीछा, पीछा किया और उन्होंने इकट्ठा कर लिया इन सबको इन सबको ढूंढ निकाला उन सारे एनिमल्स को तो वो कहते हैं कि लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉर्ड्स ऑफ बॉयलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप फुल फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव फोर ड्रॉप्स ऑफ एट टू आ ब्रेव ट्वेंटी ईयर ओल्ड ओम्पा लूम्पा वॉल्टर टू सी वट ऐपेंड मेरे परीक्षण कमरे में बहुत सारा उबल उबालने और बुदबुदाहट के बाद और मिश्रण को और मिश्रण करने और परीक्षण के बाद मैंने एक छोटा कप भर के एक काला तेलीय द्रव्य बनाया और इसकी चार बूंदें बहादुर बीस वर्षीय उम्पा लुम्पा स्वयं सेवक को दिया यह देखने के लिए कि क्या होता है तो कहते हैं कि जब मैंने बहुत अपना बहुत अधिक उबालने और निरीक्षण करने के बाद जब मैंने एक छोटा सा तेलीय द्रव्य बनाया काले कलर का तो मैंने उसको ओमपा लुम्पा नाम के एक बीस वर्षीय वॉल्टियर को दिया यह देखने के लिए कि क्या घटित तो होता है तो वाट हैपन चार्ली आज तो चार्ली ने पूछा क्या हुआ इट वॉज़ फैंटास्टिक ट्राइड मिस्टर वोंका यह बहुत खूब था मिस्टर वोंका चिल्लाई द मूमेंट द मूमेंट ही सॉलोड इट ही वी कैन ड्रिंकलिंग एंड सिवरिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ हिज टीथ एंड स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ सेवेंटी फाइव और जिस क्षण उसने इसे निकला वह पूरी तरह से झुर्रेदार और सिकुड़ने लगा और उसके बाल गिरने लगे और उसके दो और उसके दांत बाहर गिरने लगे और इससे पहले मैं जान पाता वह अचानक से एक पिछहत्तर साल का बूढ़ा व्यक्ति बन गया एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंग इन्वेंटेड और इस तरह से मेरे प्रिय चार्ली वीटा वोंग का आविष्कार हुआ तो देखो अब उसने उन्होंने क्या बनाया इन सब का मिक्सर करके उन्होंने एक कप का तेली ऑयली एक काले कलर का ऑयल बनाया वाली तेली पदार्थ बनाए जिसको उन्होंने एक चा वूम्पा पूम्पा वम्पा नाम के व्यक्ति को दिया तो वो कहते हैं कि इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो उम्पा लुम्पा के सारे बाल उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गईं और उसके बाल सफ़ेद गिरने लगे और उसके जो दात थे वो भी गिरने लगे और और मैंने अचानक से देखा कि वह पिचहत्तर साल का एक आ, ओल्ड बूढ़ा बन चुका था ठीक है बूढ़ा आदमी बन चुका था और इस तरह से वो कहते हैं कि वीटा वोंग इन्वेंटेड हुई वोंग का इन्वेंशन हुआ तो देखो पहले पहले उन्होंने वीटा वोंग बनाई वो ये बनाई थी कि ये एज को कम करने के लिए लेकिन लोग उसमें गायब हो जा रहे थे क्योंकि उनकी एज क्या हो रही थी माइनस हो जा रही थी फिर उन्होंने क्या किया कि लोगों को बूढ़ा बनाने की सूची तो उन्होंने ऐसी चीज़ें ढूंढी जो संसार में सबसे पुरानी है या सबसे पुराने समय तक जीवित रहती हैं तो इस तरह से उन्होंने जा पूरी दुनिया में घूम के चीज़ें इकट्ठा करी जानवरों की और जो पेड़ वे पेड़ों की जो चीज़ें होती हैं जो सबसे पुरानी थी जितने साल पुरानी थी उनको इकट्ठा किया और एक मिक्सचर बनाया अपने प्रयोगशाला में जो उन्होंने फिर वूम्पा लूम्पा नाम के एक वॉलेंटियर को दिया और उसको जब उन्होंने दिया तो वह अब साल का बूढ़ा आदमी बन गया तो इस तरह से वो चार्ली से कहते हैं कि उन्होंने वीटा वोंग का इन्वेंशन किया सो दिस इज़ यर चैप्टर कंप्लीटेड रोल्ड ढैल फ्राम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर से यह चैप्टर लिया गया है सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थैंक यू एंड हैव अस डे